जय हिंद एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे सेमी वाउल्स के बारे में। स्टूडेंट्स, पार्ट वन वीडियो में मैंने इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है एंड वाउल्स क्या होते हैं एक्सप्लेन कर दिया है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट वन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और आप उस लिंक पर क्लिक करके पार्ट वन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट और वाउल्स के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेमी वाउल्स क्या होते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सेमी वाउल्स के कॉन्सेप्ट को समझना बिना टाइम को वेस्ट किए। स्टूडेंट्स, सेमी वाउल्स को हिंदी में अर्धस्वर कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इंग्लिश अल्फाबेट में दो ऐसे लेटर्स हैं जिनको सेमी वाउल्स कंसीडर किया जाता है, और ये हैं डब्ल्यू एंड वाई। स्टूडेंट्स, अर्धस्वर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यानी कि सेमी वाउल्स ऐसे लेटर्स या साउंड होते हैं जो न पूर्ण रूप से स्वर होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। अब किस कंडीशन में W एंड Y वाउल्स होते हैं और किस कंडीशन में W एंड Y कॉन्सोनेंट होते हैं उसको हम समझेंगे विद एग्जांपल्स। स्टूडेंट्स, जब कोई शब्द W एंड Y से शुरू होते हैं तो उस कंडीशन में हम W एंड Y को कॉन्सोनेंट कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट, वाई, येलो, यस, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, इन सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि जितने भी शब्द मैंने बोले हैं उन सब का जो शुरुआत हो रहा है वो W और Y से हो रहा है, और जब इन शब्दों को हम प्रोनाउंस करते हैं या बोलते हैं तो हमें कॉन्सोनेंट साउंड मिलता है। जब इन शब्दों को हम पढ़ते हैं तो W और Y जो हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में हम W एंड Y को कॉन्सोनेंट मानेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगे स्क्रीन पर। इसके अलावा जब W एंड Y किसी शब्द के अंत में आते हैं तो उस कंडीशन में हम W एंड Y को वाउल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्राई, फ्राई, ट्राई, येलो, क्रो, एट्सेट्रा। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि W एंड Y शब्द के अंत में आ रहे हैं, और इस कंडीशन में हम W एंड Y को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमें वाउल साउंड मिल रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब W एंड Y किसी शब्द के अंत में आते हैं तो वो वाउल साउंड देते हैं, वही जब W एंड Y किसी शब्द के प्रारंभ में आते हैं या जब कोई शब्द W एंड Y से शुरू होता है तो उस कंडीशन में W एंड Y हमें कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं। आई होप कि आपको सेमी वाउल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट को बॉक्स में टाइप करके मुझे सेंड करें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको रिप्लाई दे दिया जाए। अब हम बात करेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में से यदि हम 5 वाउल्स को निकाल दें तो कितने बचेंगे? 21 लेटर्स बचेंगे, और इन्हीं 21 लेटर्स को हम कॉन्सोनेंट्स कंसीडर करते हैं। लेकिन बात
यहीं पे खत्म नहीं होता है, यहां पर भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। और क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सोनेंट्स का डेफिनेशन क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी। तो अगर कोई पूछे कि कॉन्सोनेंट्स कहते किसे हैं, तो आप उसे बता सकते हो कि कॉन्सोनेंट्स बेसिकली ऐसे स्पीच साउंड या लेटर्स होते हैं जिनको प्रनाउंस करते समय हमारे माउथ से जो एयर निकलता है वो बाधित होकर निकलता है। इसके अलावा जब हम किसी कॉन्सोनेंट साउंड या लेटर को प्रनाउंस करते हैं तो जो हमारा माउथ होता है वो पूर्ण रूप से ओपन नहीं होता है। आई होप कि आपको कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। कॉन्सोनेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख और समझ लेते हैं। बॉय, कैट, पैरट, ट्री, डॉग एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, अभी जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बोले हैं ये सभी एग्जाम्पल्स कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब आप किसी कॉन्सोनेंट लेटर या साउंड को प्रोनाउंस करते हो तो हमारा जो माउथ होता है वो पूर्ण रूप से ओपन नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारे माउथ से एयर निकलता है वो बाधित होकर निकलता है, है ना। जबकि वाउल के कंडीशन में ऐसा नहीं था। यही डिफरेंस है कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स में। नाउ आई होप दैट यू गॉट अ पीस ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन थ्रू माई दिस वीडियो। And if you get any doubt regarding any point, please text down your questions in the comment box given below the video and I will try my best to reply you the answer as soon as possible. So students, thanks for watching my video and see you in next one. Thank you so much and Jai Hind.